हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्दी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है विटामिन डी थ्री ड्रॉप्स। और दोस्तों अगर आपका बच्चा है और अगर आपके बच्चे को विटामिन डी थ्री ड्रॉप्स रोज़ पिलाते हो तो कितना पिलाते हो और क्यों पिलाते हो और कैसे पिलाना है और कितना डोज देना है और कितने दिन तक देना है। जैसे यहाँ पर आप पिलाते हो आपके पास ड्रॉप तो होते होंगे और कितना देना है और इसका कोई तो साइड इफेक्ट नहीं है और इसका फ़ायदा क्या क्या है सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको हेल्प होगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप जैसे अभी हमारे वीडियो को देख रहे हो आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आएगा ऑल वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है। और जो वीडियो देख रहे हो सिंपली नीचे एड ए पब्लिक कमेंट आएगा, इसके रिलेटेड विटामिन डी थ्री के रिलेटेड जो भी आपको सवाल करना है और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे एड ए पब्लिक कमेंट में जानकारी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं ये जो विटामिन डी थ्री ड्रॉप है इसका फ़ायदा क्या है, ये आपके बच्चे को अगर आप रोज़ देते हो तो इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आपके बच्चे का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आपके बच्चे का जो न्यूबॉर्न बेबी है या 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने हो गया तो उस टाइम जो देते हो उसका फ़ायदा ये है जो आपके बच्चे का हड्डियाँ मजबूत बहुत ज़्यादा करती है विटामिन डी थ्री। और क्या होता है दूसरा फ़ायदा ये है कि हड्डियाँ का जो ग्रोथ होता है आपके बच्चे का जो बोन होता है जो हड्डियाँ ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, हड्डियाँ मतलब ख़राब नहीं करते हैं, मतलब टेढ़ा बढ़ा नहीं करते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आपके बच्चे की जो हाथ पैर टेढ़ा हो जाना ये कभी नहीं होगा। अगर आप विटामिन डी थ्री रोज़ देते हो आपके बच्चे को तो आपके बच्चे का हाथ पैर जैसे पोलियो टाइप का हो जाता है वो कभी नहीं होगा। और आपके बच्चे का अगर इम्यूनिटी, आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का इम्यूनिटी, अगर आपके बच्चे का इम्यूनिटी सही होता है सही रहता है तभी जाके बच्चे का बीमार कम होता है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इम्यूनिटी बहुत ही डाउन है, इसके वजह से 2 दिन बाद 3 दिन बाद बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ होते हैं। तो इसीलिए विटामिन डी थ्री हमेशा रोज़ देते रहो और कैसे देना है बताऊँगा। तो ये सारा और भी बहुत सारे दोस्तों आपके ये विटामिन डी थ्री का फ़ायदे हैं तो आप इसको 100% रोज़ एक बार तो पिलाना चाहिए। और इसका नुकसान का बात करते हैं दोस्तों, इसका नुकसान अगर आप विटामिन डी थ्री नहीं पिलाओगे आपके बच्चे को तो क्या होता है नुकसान, जैसे हड्डियाँ मजबूत नहीं करते हैं और हड्डियाँ टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है, फिर बच्चे के हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है इस टाइप का, और फिर इम्यूनिटी डाउन होता है। इम्यूनिटी सबसे ज़रूरी है जो आपको मैंने बताया, ये सब नुकसान है अगर आप इसको नहीं पिलाओगे तो। और दोस्तों अभी बात करते हैं कि कैसे देना है विटामिन डी थ्री जो ड्रॉप है आप देते हो कैसे देते हो। इसमें तो एक ड्रॉपर होता है, जैसे अभी मैं अगर यहाँ पे निकालता हूँ एक ड्रॉपर भी होता है और इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे ये जो विटामिन डी थ्री ड्रॉप है सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको देने से पहले इसको इस तरफ से शेक करो मतलब घसो। इस तरफ करने के बाद जो आपका ड्रॉपर है, अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, ध्यान से सुनो न्यूबॉर्न बेबी है तो 0.4 ml, ध्यान से देखो ये लेके 0.4 ml देना है न्यूबॉर्न बेबी से लेके 3 महीने तक। अगर आपका बच्चा 3 महीने से लेके 6 महीने तक है तो 0.6 से लेके 0.7 तक दे सकते हो। अगर आपका बच्चा 0 से लेके 6, 8 महीना, 9 महीना या 1 साल हो गया है तो आप पूरा हर रोज़ 1 ml मतलब ये पूरा दे सकते हो, मतलब यहाँ से लेके पूरा दिला सकते हो, मतलब ऐसे लेना है पूरा तक पिला सकते हो। लेकिन ये तो पिलाते हो ठीक है, लेकिन कितनी बार पिलाना है दिन में, सुनो दिन में सिर्फ एक ही बार पिलाना है ठीक है, एक ही बार देना है और ये इस तरफ से आप पिला सकते हो। मतलब दोस्तों पर डे 1 टाइम देना है, ये बात आपको हमेशा याद रखो। मतलब इस चक्कर में आप ये मत करो कि एक ही दिन में 2 बार 3 बार पिलाओ, ये नहीं, ये सिर्फ एक ही बार देना है, एक दिन में एक ही बार ठीक है, लेकिन देना ज़रूर है। और दोस्तों इसका अभी बात करते हैं कब तक पिलाना चाहिए, इसका तो अक्सर 1 ईयर, 0 न्यूबॉर्न बेबी से लेके 1 ईयर नहीं तो 1.5 साल मतलब 18 मंथ्स तक आप दे सकते हो ठीक है, तो उसमें अच्छा ग्रोथ होते हैं। और फिर इसका प्राइस का बात करते हैं, ये कितना प्राइस में आते हैं, इसका प्राइस जो है देख सकते हो सिर्फ 37.85 रुपीज़ में जो कि मिलता है, आप इसको दे सकते हो। अच्छी खासी ब्रांड है, इस ब्रांड का नाम जो देख सकते हो जो कि यूकेस लीडिंग ब्रांड जो कि है। तो आप दूसरा जो विटामिन डी थ्री ड्रॉप्स है फोर ब्रांड मतलब 4 ब्रांड का होता है, तो आप किसी भी ब्रांड दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो अगर और भी जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और फिर भी आप एक अगर आपका मन में और भी सवाल या कुछ डर है तो आप एक डॉक्टर का अच्छा डॉक्टर का सलाह लो, आपको इसके रिलेटेड सारा नॉलेज पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो एक लाइक ज़रूर कर दो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद।